चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में आतिशी पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मैदान पर धोनी का मैच देखने के लिए उनकी बेटी जीवा भी मौजूद रही। धोनी जब गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे तो पवेलियन में बैठी जीवा अपने पापा को मैदान पर खेलता देख उत्साहित हो उठी। जीवा ने बीच मैच में पापा को हक करने की जिद कर डाली, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान ऐसा करना मुमकिन नहीं था। जीवा बार बार पापा को बुलाने के लिए कह रही थी। धोनी ने जीवा की जिद का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। मैच के बाद धोनी ने अपनी बेटी की चाहत को पूरा करते हुए उसे प्यार से गले लगाया और बीच मैदान पर जीवा को गोदी लेकर घूमते दिखे। धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी लगातार इस सीजन में सीएसके के मैच देखने के लिए पवेलियन में मौजूद रहते हैं। साक्षी और जीवा दोनों टीम में धोनी को चीयर करती हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने धोनी की टीम को 158 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में 193 रन ही बना सकी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट।